अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में टेम्पलेट बनाना सीखा था, मेंस टी शर्ट का टेम्पलेट, आज की क्लास में हम इसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स बनाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टेम्पलेट को मैं अनग्रुप कर रहा हूँ और इसका जो लेफ़्ट पोर्शन है उसे मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। राइट पोर्शन को, फ्रंट को हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, और इसका साइज़ हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, पूरे आर्टबोर्ड पर, ताकि हमारा जो ग्राफिक हो हमें प्रोमिनेंट नज़र आए, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के लिए आप ऑल्ट और शिफ्ट दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। अगर आप जस्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए वन साइड पे ये साइज़ बड़ा हो रहा है इसका। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो दोनों साइड से ये साइज़ इसका बड़ा होगा, ठीक है। मेरे पास कुछ इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है, मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिए है ताकि हम टाइम सेव कर सकें। मेरे पास ये एक माउंटेन की इमेज है, ठीक है, इसे मैं ट्रेस करूँगा। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ इमेज ट्रेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इमेज ट्रेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास ट्रेस हो चुकी है, ठीक है, और इसे हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और अनग्रुप कर देंगे। फिर इसको डीसेलेक्ट करेंगे एंड दोबारा सिलेक्शन लेके वाइट स्पेस जो होगा हमारा उसकी हम सिलेक्शन लेंगे ताकि हम इसे वाइट स्पेस रिमूव कर सकें। यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं और अपना जो पार्ट होगा हमारा उसे हम सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। टी शर्ट पे लगाने का मकसद जस्ट ये था कि आपको अपनी ग्राफिक का आइडिया हो सके कि ग्राफिक का साइज़ क्या होगा और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देते हैं, ठीक है। टी शर्ट का कलर भी हम बाद में चेंज करेंगे या पहले ही कर लेते हैं। इस कलर को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर हम कोई ऑरेंज का शेड दे देते हैं इसमें, ठीक है, ये ऑरेंज, ठीक है, या इसे थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ये वाला, और देन इसको भी हम सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन इसका फिल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें स्ट्रोक आएगा और स्ट्रोक हम यहाँ से ऑफ कर देंगे इसका, ठीक है। हमें जस्ट ये आउटलाइन मोड पे चाहिए। और जो इसका बेस कलर है इसे हम अनग्रुप करेंगे, ठीक है, और बेस के कलर को हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। बेस के कलर की वैल्यू हम रखेंगे 100, 50, 45 एंड 50, ठीक है, या इसको भी हम फर्स्ट वैल्यू को हम 0 कर देते हैं और देन इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है, या इसको भी 100 करते हैं, 100, 100, 45, 50, ठीक है। ये हमारे पास नेवी ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू 100, सेकंड वैल्यू भी 100 और थर्ड वैल्यू 45 और फोर्थ वैल्यू 50, ठीक है, देन ओके। ये हमारे पास जो नेवी ब्लू कलर है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सबको सेलेक्ट करेंगे ओवरऑल, और जो हमारा ये जो ग्राफिक है, ये जो माउंटेन है, हम इसे डीसेलेक्ट करेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करके और ग्रुप करेंगे एंड लॉक करेंगे Ctrl+2, ठीक है। अब ये हमारी शर्ट जो है ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। फिट टू स्क्रीन करने के लिए Ctrl+0 का बटन हम प्रेस करते हैं, Ctrl+0, 0 या 0, ठीक है। ऐसे इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं इस पर। दिस इज माई, और इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ से, अगर आप यहाँ से नहीं तो ऑल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस कीजिए, प्रोपोर्शनली बड़ा कर दीजिए, ठीक है। इसे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ और सेंटर अलाइन करूँगा। इसका कलर मैं फ़िलहाल वाइट रख देता हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो, ठीक है, और साइज़ हम इसका एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से एरियल यूज़ कर लेते हैं। एरियल में ब्लैक है, एरियल में हमारे पास राउंडेड भी है, हम राउंड वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ में फिर एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने फॉन्ट चेंज किया है तो साइज़ दोबारा से एडजस्ट करना होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट चाहिए। या तो हम चाहें तो दूसरा फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एक और फॉन्ट है अगर वो इस पर अप्लाई होता है ठीक, वरना फिर हम इसी फॉन्ट को यूज़ करेंगे ठीक है। एक ये है और एक है हमारे पास सेंचुरी, ये सेंचुर आ रहा है और सेंचुरी ये भी, हमें थोड़ा बोल्ड फॉन्ट चाहिए ठीक है। तो फिलहाल हम इसको फॉन्ट को रहने देते हैं, इसी फॉन्ट को यूज़ कर लेते हैं ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर मूव, और देन थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करेंगे ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसमें हम लिखेंगे हाइकिंग ठीक है, दिस इज़ माई हाइकिंग, और नीचे फिर हम मेंशन कर देंगे शर्ट या कुछ भी, टी शर्ट कर देते हैं या शर्ट कर देते हैं, जस्ट सिंपली शर्ट कर देते हैं ठीक है। और इसको अब हम मज़ीद बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन वर्ड है वो ये है हाइकिंग, सो हम जस्ट शर्ट की स्पेलिंग जो है इसको एडजस्ट करेंगे, इसकी स्पेसिंग को कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ से ट्रेसिंग, ये वैल्यू है हमारे पास ट्रेसिंग की ठीक है। ट्रेसिंग हम यहाँ से बढ़ाएंगे ऊपर करके तो ये स्पेसिंग इसकी बढ़ रही है, सो हम डायरेक्टली इसमें 250 पुट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है, 180, 180 भी ज़्यादा है, 150 ठीक है, 150 हम इसमें पुट कर लेते हैं। सो 150 की वैल्यू पुट करने के बाद अब इस सबको हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और लेफ़्ट साइड में मूव कर देंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे ठीक है। उसके बाद करेक्टर पैनल को क्लोज़ कीजिए और इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन ठीक है, क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे हम तो फिर ये टेक्स्ट एडिटेबल नहीं होगा, सो इस वजह से मैंने लेफ़्ट साइड पे एक कॉपी रखी है ठीक है। अच्छा, अब आपको कीज़ का जो इंडिकेटर है ये आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें कीज़ देखने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, सो इस वजह से अब आपको जो भी वैल्यू होगी वो थोड़ी प्रोमिनेंट होकर नज़र आएगी ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें एक टेक्सचर या कुछ स्प्लैश कुछ टाइप का या ग्रंज इफेक्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे ठीक है। ग्रंज इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही डाउनलोड किए हैं ठीक है, सो मैं इसकी कॉपी यहाँ ले रहा हूँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पहले इसका मैं कलर चेंज कर दूँ इन सब का, इसका कलर वाइट होगा, ये भी वाइट होगा, और इसे हम चेंज कर लेते हैं, ये कलर रख लेते हैं ठीक है, सेम कलर। सेम कलर रखने के बाद अब हम ग्रंज इफेक्ट को ही देखते हैं, हमारे पास मेरे पास ये वाला ग्रंज इफेक्ट है, सो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ठीक है। इफेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा है सो मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँगा ठीक है, और रिड्यूस करने के बाद अब ये टेक्स्ट के ऊपर है सो हम इसे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज एंड सेंड टू बैक, सेंड टू बैक करेंगे सो ये इसके पीछे चला जाएगा, मूव हो जाएगा ठीक है। अब जो टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट है सो इसलिए आपको प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, सो मैं टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैंने ब्लू कर दिया ठीक है। अच्छा, इस पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और अनग्रुप करेंगे, राइट क्लिक करके अनग्रुप एंड देन कंपोर्ट पाथ ठीक है। कंपाउंड पाथ यहाँ से भी हो सकता है कंट्रोल प्लस 8 से, अगर यहाँ से नहीं होता सो मैं अंडू कर रहा हूँ, एंड यहाँ हम आएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में आने के बाद है कंपाउंड पाथ ठीक है, देन इसमें हम मेक पे क्लिक करेंगे, सो ये हमारा कंपाउंड पाथ हो चुका है। कंपाउंड पाथ करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करेंगे और इस ग्रंज इफेक्ट को भी हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले हमें ये ग्रंज इफेक्ट जो है सेट करना है कि इसकी प्लेसमेंट हमें कैसे चाहिए ठीक है। सो प्लेसमेंट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे ठीक है, और इस ग्रंज इफेक्ट को भी सेलेक्ट करेंगे, और फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे ठीक है। मेक क्लिपिंग मास्क करने के बाद, क्योंकि ये कुछ एरर आ रहा है, द टॉप ऑब्जेक्ट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, अच्छा अब आप सही है, सो आप इसको मास्क करना चाहते हैं, यस एनी में आप इसको यस कर दीजिए, सो ये आपका जो भी इफेक्ट होगा वो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा ठीक है। क्लिपिंग मास्क करने के बाद अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन करेंगे ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन करने के बाद अब ये हमारे टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ टेक्स्ट का कलर डिफरेंट था और इफेक्ट आने के बाद हमारा कलर डिफरेंट हो गया ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें इस इफेक्ट को सेलेक्ट करना है और ट्रांसपेरेंसी पे आना है ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रही सो आप विंडोज़ में आइए और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी ऑन कीजिए ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांसपेरेंसी का टैब ओपन हो जाएगा, देन हमारे पास यहाँ ब्लेंडिंग कुछ मोड्स हैं ठीक है। सो मोड्स में हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे या इस एरो की पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ कुछ मोड्स आ रहे हैं डिफरेंट, सो हम इसमें से मल्टीप्लाई वाला मोड सेलेक्ट करेंगे ठीक है। सब अब देखिए हमारा जो
बैकग्राउंड कलर था जो टेक्स्ट का कलर था वो उस पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। हमारा ऊपर फर्स्ट लाइन में वाइट था और लास्ट लाइन में वाइट था एंड मिडल में हमारे ऑरेंज था। सो अगर मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, ये बात देखिए इस पर इफेक्ट भी आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में वाइट है एंड मिडल में हमारे पास ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस इफेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ डिफरेंट मोड्स हैं। आप मज़ीद अगर आपका इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा, ठीक नहीं आ रहा, सो आप यहाँ से स्क्रीन भी चेक कर सकते हैं, शायद स्क्रीन में आपका मोड कलर सही आ जाए, या ओवरले भी कर सकते हैं, कलर भी है हमारे पास काफ़ी मोड्स है इसमें, ठीक है। सो हमें ज़्यादातर मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, हम जैसे ही मल्टीप्लाई पर क्लिक करते हैं हमारा जो भी ग्राउंड होगा, टेक्स्ट का कलर हो या किसी भी किसी भी चीज़ का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। सो हम यहाँ से मल्टीप्लाई पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास छोटी सी थी लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये मैंने कुछ बेसिक सी ग्राफिक बताई है टी शर्ट के बारे में। सो इंशाल्लाह आगे चलकर मज़ीद हम इसमें कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, ताकि बेसिक से थोड़ी स्टार्टिंग हो, सो आपके लिए आने वाली मज़ीद क्लासेस जितनी भी हैं वो अच्छी से अच्छी होने वाली है। सो इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।